हेलो दोस्तों, मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूँ इस टीवी थिनर सर्कल पे। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमारा नेक्स्ट चैप्टर था इनपुट और आउटपुट। इनपुट हमने बताया था कि कंप्यूटर के पार्ट होते हैं चार। इनपुट पहला, सीपीयू दूसरा, मेमोरी तीसरा, और एक पार्ट हमने बताया था आउटपुट, यानी कि डेटा। कंप्यूटर में कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन जो भेजने की प्रक्रिया होती है उसको हम इनपुट कहते हैं। और इनपुट के अंतर्गत जो भी पार्ट आते हैं, जो भी डिवाइसेस आती हैं, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में जो भी डाटा इनपुट करते हैं, यानी कि जिन जिन उसकी डिवाइसेस होते, जो भी पार्ट होते हैं, उसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं। और वो सीपीयू में क्या होता है, उसका प्रोसेस होता है। और फिर उसके बाद मेमोरी में डाटा क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। और उसके बाद यूजर को रिजल्ट के रूप में आउटपुट के माध्यम से डाटा क्या हो जाता है, यूजर को प्राप्त हो जाता है। तो हमने आपको बताया था कि इनपुट में, इनपुट के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। इनपुट में हमने आपको बताया था कि कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में हमने आपसे जिक्र किया था, कीबोर्ड में फंक्शन की होती हैं, 0 से 9 तक नंबर कीज होती हैं और अल्फाबेट्स की होती हैं। हमने उन फंक्शन की के बारे में जिक्र भी किया था आपसे, और हमने बताया था माउस ये इनपुट डिवाइस से, इनपुट डिवाइस का पार्ट है। पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा हमने बताया था जॉयस्टिक है। फिर ट्रैक बॉल के बारे में हमने ट्रैक बॉल बताया था। उसके बाद मैंने आपसे पेन लाइट, लाइट पेन ये बताया था, ये भी क्या है, ये भी एक मतलब जो है इनपुट डिवाइस है। और इसमें जो आपके मेनली इस टॉपिक में जो आपका है इनपुट और आउटपुट, यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे, कुछ डिवाइस दी होगी, पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है, यानी कि जो टॉपिक है इनपुट और आउटपुट, आउटपुट डिवाइस, ये तो हमने इसमें जिक्र किया था आपसे, बता रहे हैं कि हमारा पहला जो था कीबोर्ड, उसके बाद हमने माउस। इनपुट के अंतर्गत कौन कौन से, एक बार हम फिर से आपको दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं, इनपुट, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन सी मतलब जो है आती हैं। तो पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, और यम आईसीआर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इनके फुल फॉर्म भी आप लोग लर्न कर लेना, मतलब जो है यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म हो सकता है पूछ लिया जाए। और हमने बीसीआर मतलब जो है ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सारे जो इसके मतलब जो स्क्रीन टच, इसके जो भी मतलब जो डिवाइसेस थे उन पे हमने जिक्र कर लिया था। आज जो हम आपको बताएंगे, आपको चर्चा करेंगे जो है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइस।
और मेमोरी के बारे में, कौन कौन सी मेमोरी जो है, मेमोरी का हम वर्गीकरण भी कर लेंगे, कौन कौन सी मेमोरी हमारी जो है यूज में मेमोरी का लाते हैं, कौन कौन सी मेमोरी यूज में हम लाते हैं देखिएगा। तो पहले देखिएगा, अभी तक हमने आपसे बता दिया कि आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस सॉरी, आउटपुट डिवाइसेस। अब देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस, ज्यादा तो नहीं, एक दो क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन डिवाइस किसे। तो इनके अंतर्गत जो भी पार्ट है उनको लर्न करना बहुत जरूरी, अति आवश्यक है, ठीक है। देखिएगा, पहला जो इसका पार्ट है यानी कि आउटपुट के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, हमने बताया है आउटपुट क्या होता है, जो भी रिजल्ट, जो भी डाटा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो सीपीयू में प्रोसेस होके यूजर के पास मतलब रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है आउटपुट के माध्यम से, ठीक है। तो यहां से पहला जो आउटपुट का डिवाइस होगा वो एलसीडी, ठीक है, प्रोजेक्शन पैनल, प्रोजेक्शन पैनल पहला हो गया। दूसरा होगा मॉनिटर, दूसरा जो होगा मॉनिटर, और मॉनिटर के भी टाइप होते हैं अपने, हम बता दें मॉनिटर में जो होता है अलग अलग मॉनिटर होते हैं, किस मतलब जो है, जैसे मॉनिटर आपका एलईडी के रूप में भी होता है, एलईडी इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या हो जाएगा, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी, एलसीडी 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 का हो जाएगा लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल, क्रिस्टल 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 डायोड, ठीक एक मिनट में फिर से लिख रहा हूं। चलो देखो क्या बता रहा था, आउट पुट डिवाइसेस, पहला हमने आपको बताया था एलसीडी प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन पैनल पैनल, दूसरा हमने आपको बताया था मॉनिटर, मॉनिटर मॉनिटर में हम बता रहे थे आपको, पहला बताया था आपसे एलईडी, दूसरा जो है एलईडी इसका लाइट फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, LIGHT, लाइट इमिटिंग
उसके बाद दूसरा हमने आपको बताया था कि एलसीडी, एलसीडी उसका प्रोफॉर्म क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका लिक्विड लिक्विड क्रिस्टल क्रिस्टल डिस्प्ले डिस्प्ले ठीक, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला देखिएगा सीआरटी, सीआरटी सीआरटी इसका क्या हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो मॉनिटर का टाइप होता है, टी एफ टी, टी एफ टी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर। तीसरा जो हो जाता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट सॉरी आउटपुट आउटपुट डिवाइस, तीसरा कौन होगा, प्रिंटर 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 और प्रिंटर प्रिंटर के भी अंतर्गत कुछ प्रिंटर होते हैं, उनके नाम बता रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। इंपैक्ट 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 प्रिंटर प्रिंटर। उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद नॉन इंपैक्ट इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटर और इंक जेट जेट प्रिंटर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर प्रिंटर, तो ये कुछ प्रिंटर के नाम है, ये भी ध्यान रखना। हमने बताया आपको एलसीडी, प्रोजेक्शन, प्लान, पैनल्स, मॉनिटर के हमने डिवाइड बता दिए, मॉनिटर एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी है यहाँ पर ध्यान रखना, एलसीडी यहाँ पर है, ये लिखा जो है एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ये हमने प्रिंटर के, ये प्रिंटर आपसे क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। तो प्रिंटर के अंतर्गत आने वाले प्रिंटरों का हमने नाम किया इंपैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ठीक है। अगला देखिएगा सर, ये क्या हो रहा, ठीक है। अब देखिएगा अगला जो है प्लॉटर, चौथा
प्लोटर, प्लोटर्स, उसके बाद माइक्रोफिच, माइक्रो, छठा जो होता है वो कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है? प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर। सातवां जो होता है आपका प्रोजेक्टर के बाद हेडफोन, 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 उसके बाद कॉम, COM, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर आउटपुट, कंप्यूटर आउटपुट, कंप्यूटर आउटपुट, माइक्रोफिल्म, माइक्रो, माइक्रोफिल्म, ये इसका क्या होता है? प्रोटोकॉल। उसके बाद देखिएगा अगला जो है स्पीकर, नवा जो है आपका स्पीकर, 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 स्पीकर भी किस प्रकार का डिवाइस है? आप ध्यान रखना आउटपुट डिवाइस है। 10वां देखिएगा, ये आपका विजुअल डिस्प्ले, विजिट, विजुअल, विजुअल, विजुअल डिस्प्ले, डिस्प्ले, ठीक, यूनिट। उसके बाद 11 नंबर देखिएगा, फिल्म रिकॉर्डर, रिकॉर्डर, अगला देखिएगा स्टीरियो, स्पीच, स्पीच सिंथेसाइजर, 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 सिंथेसाइजर। ये हमारे जो आपको अभी हमने बताया है ये हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आप इन लोगों को अच्छे से लर्न कर लेना, LCD, प्रोजेक्शन पैनल्स, मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक। और हमने आपको बताया है प्रोलेटर्स, माइक्रोपिच, प्रोजेक्टर, हेडफोन, COM, कंप्यूटर आउटपुट, माइक्रोफिल्म, स्पीकर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, फिल्म रिकॉर्डर, स्पीच सिंथेसाइजर, ठीक। ये क्या थे? ये हमारे आउटपुट डिवाइस थे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा मेमोरी के बारे में भी देख लेते हैं। देखिएगा थोड़ा हम मेमोरी के बारे में भी देख लेते हैं। मेमोरी, ठीक, तो मेमोरी जो है हमारा, अगर इसको डिवाइड किया गया है दो पार्टों में, देखिएगा जो हमारा इंटरनल मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, आप कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, या हम इसी को कह सकते हैं मेन मेमोरी, या कह सकते हैं प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद जो होता है एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी।
इसको अगर देखें कि ये कितने भागों में डिवाइड की गई है, इंटरनल या प्राइमरी मेमोरी, तो इसका अगर फर्स्ट टाइप होता है रोम, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये मेमोरी का ही एक टाइप है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रेंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। उसके बाद जो सेकंड इसका टाइप होता है वो है आपका रैम, वोलेटाइल रैम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगर इसके भागों को हम देखें एक्सटर्नल के, तो एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। इसका पार्ट होता है कि एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, और जो होता है उसका डिस्क, दूसरा जो होता है एस एस डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तीसरा जो होता है कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद अगला जो होता है यू एस बी, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। हाँ, रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, हाँ रोम का है रीड ओनली मेमोरी, हमने लिख दिया है। रोम का क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। एक मिनट, हम इसको सुधार रहे हैं। रीड रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब देखिएगा ये ऊपर नीचे हो गया था इसका। अगला देखिएगा एस एस डी, यूएसबी,
यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस ये क्या होते हैं हमारे एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट है, HDD, SSD, कॉम्पैक्ट डिस्क और USB, ठीक है। और कुछ जो है मेमोरी से जो डाटा है ये जरूर ध्यान रखना, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मेमोरी यूनिट आप जरूर ध्यान रखना, मेमो री यूनिट। कौन सी मेमोरी यूनिट होती है? जैसे 4 बिट बराबर कितना होता है, कितने के बराबर होता है, तो ध्यान रखना 1 निबेल, 1 निबेल, 1 निबेल। और 8 बिट किसके बराबर होता है ये भी ध्यान रखना, 8 बिट बराबर होता है किसके, 1 बाइट के, या 1 बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट। और उसके बाद 1024 बाइट्स, 1024 बाइट के बराबर होते हैं 1 किलोबाइट, 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट के भी, 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट। उसके बाद 1024, 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स ये हमने लिख दिया है। और ना 1024 किलोबाइट KB, ये किसके बराबर होता है, 1 मेगा बाइट, 1 मेगा बाइट, 1 मेगा बाइट। अगला है 1024 मेगाबाइट, ये किसके बराबर होता है, 1 गीगाबाइट, या GB लिख सकते हो, 1 गीगाबाइट, इसको एमजी से मेगा बाइट, ठीक। और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट, 1 से हो जाएगा 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट। और 1024 टेराबाइट बराबर होता है, इधर रखना, 1 पेटाबाइट, 1 पेटा बाइट, 1 पेटा बाइट, टीबी बोलते हैं इसको, टीबी। तो ये जो मतलब जो है कुछ चीजें थी जो आपको लर्न करने की आवश्यकता है। 4 बिट बराबर कितना होता है, 1 निबेल के बराबर होता है, 8 बिट बराबर कितना होता है, 1 बाइट होता है, 1024 बाइट किसके बराबर होता है, 1 किलोबाइट यानी KB के बराबर होता है, 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, 1024 गीगाबाइट बराबर होता है, 1 टेराबाइट के बराबर होता है, 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 पेटाबाइट, ठीक है। उसके पहले हमने आपको क्या बताया था, एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक एक्सटर्नल एक प्राइमरी। तो एक्सटर्नल में HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क और USB यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव, ठीक है। उसके बाद उससे पहले हमने बताया आपको रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अलावा भी मतलब जो है पर्सनल कुछ मेमोरीज होती हैं, उनको नाम आपको यहाँ पर ज्यादा मतलब जो है ध्यान मतलब जो है
ज्यादा रन करने की जरूरत नहीं है, नहीं आप दो को ध्यान रखिए ठीक है। तो इसके भी अभी रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी को भी अगर डिवाइड करेंगे तो मतलब जो है 6-7 पार्टों में अभी और डिवाइड हो जाएगा, तो उनका कोई काम नहीं है फिलहाल। हमने और आपको बताया है आउटपुट डिवाइसेस एलसीडी प्रोजेक्शन प्लैनेट्स पैनल्स मॉनिटर, मॉनिटर के डिवाइड बता दें एलईडी एलसीडी सीआरटी टीएफटी और प्रिंटर। उसके बाद हमने आपको बताया है मॉनिटर्स माइक्रोफिश प्रोजेक्टर हेडफोन हेडफोन कॉम कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफोन स्पीकर विजुअल डिस्प्ले इनपुट और फिल्म रिकॉर्डर और स्पीच सिंथेसाइजर। ये हमारा इतना मतलब जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस से था। यहाँ से ये जरूर ध्यान रखना कि कौन से इनपुट डिवाइस है कौन आउटपुट डिवाइस है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रहेगा ठीक है, तब तक के लिए।